पहले ही आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा कि मेरा लास्ट वीडियो डाला हुआ हो गया और लीजिए एक मंथ के ऊपर, क्योंकि अभी तक चल रहा था मेरा एग्ज़ाम, कल ही ख़त्म हुआ और आज मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो मैंने ये ब्लैक क्लू गेमिंग का जो सर्वाइविंग स्ट्रीप वाला सर्वर है उसमें खेलूँगा। आप चाहो तो इसका पोर्ट और UPI देख सकते हो और चाहो तो इसमें खेल भी सकते हो। अच्छा है, नॉर्मल सर्वाइवर से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत से लोग भी मिल जाते हैं। मैं इसे 1.18.31 में अपडेट किया था, इसीलिए ये वाला स्क्रीन आया। मैं और एक बात का भी सॉरी कहना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर बहुत दिन तक खेल चुका हूँ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी हो गया। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था और चाहो तो आप भी खेल सकते हो। देख सकते हो कि यहाँ पर कोई क्रिएटिव का यूज़ किया नहीं जा सकता। यहाँ पर ऐसे पार्कोर का मैप भी है। ये तो मैं वैसे ही दिखाने को लेके आया, मैं पार्कोर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मेरा स्कोर सिर्फ 14 है, देख सकते हो। और 10 स्कोर होने के बाद मिलता है आपको एक डायमंड। ऐसे कर के मुझे कुछ डायमंड मिल गए और कुछ भी नहीं। ये रहा, 2 डायमंड थे, अभी 3 हो गए। तो अब मैं सर्वाइवल में जाता हूँ। और ये है एक स्केलेटन का XP फार्म नहीं, बोन का फार्म, क्योंकि यहाँ पर कोकोबीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो ये स्केलेटन का स्पॉनर देखा था, यहाँ पर फार्म बना डाला। ये लास्ट चीज़ जो मैंने यहाँ किया था, यहाँ पर आप 2 होम सेट कर सकते हो और मेरा 2 होम ऑलरेडी सेट है, इसीलिए यहाँ पर मैंने रिस्पॉन पॉइंट ठीक कर दिया। जब मैं मारता हूँ तो यहाँ पर स्पॉन होऊंगा। इसी बीच मैंने थोड़ा ऑक्शन भी चेक कर लिया, जहाँ पर क्या मिल रहा है वो देख रहा था। एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक स्पॉनर देखा था जो ख़रीदने के लिए जल्दी करने लगा, पर वो पहले ही कोई ख़रीद लिया। तो मैंने यहाँ जल्दी जल्दी से बहुत सारे स्केलेटन मरे, जितने हो सके उतने बोन कलेक्ट किया और घर को चला गया। घर में गया और मेरे पास एक बोन मिल वाला कोकोबीन का फार्म है, उसमें ही मैंने ये सारे को डाल दिया बोन मिल बना के, जिससे आसानी हो गया क्योंकि बहुत सारा बोन मिल है ना। तो मैंने जो स्पॉनर देखा था वो था 12K का और मेरे पास तो फुटा कॉल भी नहीं था। तो मैंने बहुत देर तक यहाँ पर कोकोबीन को ग्रो किया। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर कोकोबीन को ग्रो करना, उसके बाद व्हीट खरीदना और उसके बाद बेच देना कुकीज़ बना के, जिनसे एक कुकी बनता है। ऐसे ही इससे आपको ऑलमोस्ट 900-800 समथिंग प्रॉफिट हो जाता है, जो बुरा तो नहीं है। और अगर आपके पास बहुत सारा व्हीट है तो और भी अच्छा, पूरा ही मिल जाएगा, वरना थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है। मैंने जैसे तैसे करके 12K जमा किया, एक बेच के और सारे कुछ बेच के, पर तब तक देखता हूँ कि वहाँ से मेरा स्पॉनर ही कोई ख़रीद लिया। तो और क्या, मैंने नॉटुलर सेल ख़रीद लिया, एक कॉन्ड्यूट मेरे पास पहले से है और एक हो जाएगा। अभी टोटल 5 खरीदा, उतने जैसा ही पैसा था। और मेरे पास अभी भी 3 हार्ट ऑफ द सी पड़ा है और एक कॉन्ड्यूट। और मैं कॉन्ड्यूट के चारों तरफ कुछ इस तरीके से ग्लास का चैम्बर भी बना दिया था, जो अच्छा ही था। और यहाँ पर रहते विलेजर आयरन फार्म भी यही को बना दिया और एक स्कूट का फार्म भी है दिखाया था। और यह है स्पॉन पॉइंट। जब आप पहली बार इस सर्वर में आओगे तो यहीं पर स्पॉन होगे, उसके बाद आपको वो तालाब में कूदना होगा। और यह है ऑक्शन हाउस, यहाँ से भी सारी चीज़ खरीद सकते हो या फिर कमेंट से भी खरीद सकते हो। कमेंट से सारी चीज़ें मिलता नहीं। पहले मैं यहाँ पर था अकेला, उसके बाद और एक बंदा आया जो ये वाला ब्लेस फार्म बनाया था, उसने ही मुझे ट्रस्ट दे दिया। किसी कारण से वो नहीं खेल पा रहा, क्यों पता नहीं, जो भी। और उसके बाद और एक बंदा आया, वो कहा गया मुझे दिखा ही नहीं, 1-2 दिन पहले ही आया था। क्या करूँ, वो क्यों डाउनलोड नहीं कर पा रहा, अगर कह देते तो अच्छा होता। कुछ तो ग्लिच हुआ या फिर कुछ। और यह स्केलेटन फार्म, फिर से बोन मिल बना के यहाँ पर कोकोबीन को फार्म करना स्टार्ट किया, क्योंकि इसका इसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद और एक बीकन लेने के लिए
बहुत सारे कुकीज़ बेचा। बिकन मतलब कि मैं लिया था एक नेदर स्कर्ट, थोड़ा सस्ते में ही मिल गया था। 25K, इससे पहले भी 18K में मिला था, तब मेरे पास ये बोन मिल का फार्म था नहीं, तो कुछ कर नहीं सका था। तो फिर मुझे अब चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेने के लिए मैं चला गया नेदर को, और मेरे खुद का ही पोर्टल को तोड़ लिया। हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लैगी है, क्या कर सकता हूँ। और फिर होम करके घर को चला आया। और अब अगर नेदर में जाऊँ तो वो पोर्टल फिर से ठीक हो जाएगा इजी। ऑक्सीजन का तो कोई कमी नहीं। मैंने जो ग्लास मिल्ट किया था वहाँ पर ग्लास पड़ा हुआ था, ये ग्लास मैंने वो पानी के स्ट्रक्चर के लिए स्मेल्ट किया था, तो उन्हें ले लिया। और क्राफ्टिंग टेबल में आके इसे बिकन बना लिया, और बाकी के ग्लास जो बचे थे उन्हें फिर से रख दिया। ये पर ये स्क्विड ज़मीन पे उठ रहा था, तो मैंने सोचा पानी में जाने दूँ, पर ये जा ही नहीं रहा था, तो मैंने रहने दिया वैसे ही, क्या कर सकता हूँ। और जितने भी ग्लास बाकी थे उन्हें फिर से रख दिया। अब वारी था ये बीकन को प्लेस करके इसके प्लेटफॉर्म को बड़ा करने का, तो मैंने बीकन को प्लेस कर लिया और चला गया मेरे विलेजर्स के पास। वहाँ पर थोड़ा बहुत आयरन पड़ा हुआ है, आयरन गोलम जो मरे हैं उनके। तो एट लास्ट आयरन के ब्लॉक्स को तो बीकन के नीचे प्लेस कर दिया, ये उतना बड़ा कोई तो काम नहीं जो दिखाऊंगा, तो ऐसे ही प्लेस कर रहा था। और इससे जंप बूस्ट 2 ले लिया, और पहले वाला स्पीड था तो स्पीड ही रहने दिया। तो और क्या करना, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। देखता हूँ, शायद नेक्स्ट वीडियो होगा सर्वाइवल सीरीज़ में, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और भी एक चीज़ सोच के रखा हूँ, वो चीज़ में भी हो सकता है। तो बाय बाय।